नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल हेल्थ टिप्स ज्ञान पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ईयरफोन का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनके कानों से ईयरफोन हटते ही नहीं हैं। आज हम उन लोगों को कुछ ऐसी जानकारी देना चाहते हैं, अगर आप लोग ईयरफोन का लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटे के बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, कम सुनाई देना। ज़्यादा हेडफोन का प्रयोग करने वाले लोगों में कम सुनाई देने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लगभग सभी हेडफोन आपके कानों को उच्च डेसिबल ध्वनि तरंगों को निकालते हैं, जो कि आपके कानों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कम सुनाई देने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नंबर दो, कान सुन होना। घंटों तक अपने कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने से आपके कान भी सुन हो सकते हैं। हेडफोन लगाकर गाने सुनना सभी लोगों को पसंद होता है, पर लंबे समय तक गाने सुनना आपके कानों की सुनने की क्षमता को स्थायी रूप से ख़त्म कर सकता है। नंबर तीन, कान में दर्द। कान में दर्द का कारण कान में ईयरफोन की खराब फिटिंग हो सकती है। खराब फिटिंग हेडसेट के कारण होने वाला दर्द आंतरिक कान के दर्द को बढ़ा देता है, जिससे आपके सर में दर्द भी हो सकता है। नंबर चार, कान में हवा पास का ना होना। हेडफोन पर अधिक गाने सुनने से आपके कान में हवा पास नहीं हो पाती है, जिसके कारण कान में संक्रमण होने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। नंबर पाँच, दिमाग पर बुरा प्रभाव। लगातार लंबे समय तक गाने सुनने से आपके दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि हेडफोन से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें आपके दिमाग के लिए नुकसानदायक होती है, जिससे आपके मस्तिष्क की क्षमता कम होने लगती है। नंबर छः, आपके जीवन को खतरे में डालता है। लगातार हेडफोन का उपयोग करने से आपकी कान की क्षमता, सुनने की क्षमता कम हो जाती है, दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जब आप लगातार हेडफोन सुनने के आदि हो जाते हैं तो आप बिना कुछ सोचे समझे भी बाहर किसी भी कार्य से हेडफोन लगाकर चले जाते हैं, जिससे आपको पता नहीं होता है कि पीछे से कौन अपना वाहन लेकर आ रहा है, जिससे आपको एक्सीडेंट भी हो सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। नंबर सात, चक्कर आना। जो लोग ज़्यादातर हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा तेज़ आवाज़ में गाने सुनते हैं, उन लोगों को चक्कर आने की समस्या भी हो सकती है, क्योंकि हेडफोन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से उससे निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें आपके दिमाग को नुकसान पहुँचाती है या दिमाग को कमज़ोर करती है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आने की समस्या भी हो सकती है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो, 1% भी पसंद आई हो, तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, इसके बारे में अवगत हो सकें। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और हमारी वीडियो को ऐसे ही लाइक और शेयर करते रहें, ताकि हम आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते रहें। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए।